नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल टेक बॉस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं राशन कार्ड का स्टेटस कैसे देखें घर बैठे हुए। तो एक्चुअली होता है इसमें क्या दोस्तों कि राशन कार्ड के लिए आप जब अप्लाई कर देते हैं तो इसमें लंबा वक्त लगता है, जो कि 6 महीने से 1 साल तक भी लग जाता है, अभी तक राशन कार्ड नहीं बन पाता है। तो हम बार बार अपने ब्लॉक में जाते हैं, वहाँ पर नाम देखते हैं या राशन बांटने वाले के पास जाते हैं और वहाँ पर हम पूछते हैं कि यार मेरा राशन कार्ड में नाम आया है या नाम जुटा है या नहीं, और आप प्राप्ति रसीद लेके ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं। जैसे मेरे हाथ में देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे एक प्राप्ति रसीद है। तो इसको आज हम ऑनलाइन स्टेटस चेक करेंगे कि क्या हमारा राशन कार्ड बना या नहीं बना। तो उसको जानने से पहले अगर दोस्तों आपने अभी तक टेक्निकल बॉस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि बेल नोटिफिकेशन प्रेस करने के बाद ही हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, अगर वीडियो को लाइक करते हैं तो वीडियो बनाने का हमारा मकसद पूरा हो जाता है और हम समझ पाते हैं कि नहीं इस वीडियो को हम देखने से आप लोग का फायदा हुआ है। तो दोस्तों वीडियो को अभी लाइक कर दें और चलिए हम चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां देखेंगे कि हमारा राशन कार्ड बना है या नहीं बना है। तो दोस्तों उसके लिए हम इसके वेबसाइट पे आ जाते हैं और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस वेबसाइट पे हम आ गए हैं। बिहार सरकार का ये वेबसाइट है और इसमें हमको सबसे पहले दोस्तों जिला सेलेक्ट कर लेना है, जो कि यहां से हम अपना जिला सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं बिहार से हूं तो यहां पे मैं बिहार सेलेक्ट कर लेता हूं, जिला अपना गया सेलेक्ट कर लेते हैं, और अनुमंडल अपना सेलेक्ट कर लेना है जिस अनुमंडल से आप आते हैं। तो यहाँ पे आपको अनुमंडल सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं यहाँ पे अपना अनुमंडल सेलेक्ट कर लिया हूँ। और यहाँ पे आरटीपीएस संख्या आपसे मांगा जाएगा, तो आरटीपीएस संख्या दोस्तों जो आपका यहाँ पे आवेदन संख्या है इसको यहाँ पे डाल दें आप। तो चलिए मैं यहाँ पे फटाफट अपना आवेदन संख्या डाल देता हूँ। और तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना आवेदन संख्या डाल दिया है, और डालने के बाद यहाँ पे आपको शो का बटन आ रहा होगा, तो शो पे आप क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपका यहाँ पे जो स्टेटस है वो बता देगा। तो जैसे देखिए आवेदन मौजूदा नहीं पाया गया, तो इसमें एक्चुअली हो रहा है क्या दोस्तों कि आवेदन मौजूदा नहीं पाया गया, इसका मतलब आपका ये हुआ कि जो आपका आवेदन था वो अभी सिस्टम पे नहीं अपडेट हुआ है। तो इसलिए जो है जो आपको यहाँ पे आवेदन मौजूदा नहीं पाया गया है, इस तरह का आपका मैसेज दे रहा है। अगर आपका आवेदन सिस्टम पे वहाँ अपडेट कर दिया जाएगा तो वो आपको अंडर प्रोसेस में बताएगा, और उसके बाद जो है कि अंडर प्रोसेस सारा अगर वेरीफाई होगा तो आपको यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे ही आपको दोस्तों यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आ जाता है, उसके 1 महीने बाद, जैसे मैंने वहाँ पे ब्लॉग में जो पूछा था, जो इसका एमओ होता है, एमओ से मैंने बात किया था, तो उसके लिए मुझे बताया गया था कि यहाँ पे आप जाके चेक करिए, और आपका जिस दिन प्रिंट का ऑप्शन आ जाता है प्रिंट करने का, उसके 1 महीने बाद, यानी जिस दिन आपका यहाँ पे ऑप्शन शो करता है उस दिन, उससे 1 महीने बाद आप हमारे पास आइए और आपका राशन कार्ड यहाँ से मिल जाएगा। तो कुल यही अपडेट था दोस्तों। और एक चीज मैं बता दूं कि अगर आपका 30 दिन के अंदर अगर ये चीज नहीं, आप राशन कार्ड नहीं बनता है, तो इसके लिए आप अपील भी कर सकते हैं। तो अपील कैसे करना है अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताएं जी, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा कि इस तरह से इसका कंप्लेन करना है कि अभी तक मेरा क्यों नहीं बना। तो यही कुछ अपडेट था दोस्तों। अगर आपको अपडेट अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।